बीजेपी सांसद योगेंद्र चौंदलिया मेरे साथ है। योगेंद्र जी, आप सड़क पे उतर रहे हैं, आप सांसद भी हैं दिल्ली से, तो क्या प्लानिंग क्या है सड़क से संसद तक इस मामले को उठाने? देखिए, संसद में जरूर उठाएंगे। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। तीन छात्रों की मौत बेसमेंट के अंदर पढ़ते समय हुई है। उस बिल्डिंग को सीसी किसने दिया? उस बिल्डिंग में कोचिंग के अलावा वहां पर क्यों बच्चे पढ़ रहे थे? नंबर दूसरा, ये तीन नहीं है, तीन दिन पहले पटेल नगर में एक छात्र की पानी में डूबने से करंट लगने से मृत्यु हुई। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर सिरसपुर के अंदर अंडरपास के ऊपर दो बच्चों की मृत्यु करंट लगने से पानी में डूबने से हुई। उस्मानपुर में दो बच्चों की मृत्यु हुई पानी में डूबने से। कितनी लोगों की मृत्यु के बाद दिल्ली की सरकार जागेगी? आतिशी मैडम कब कमरे से बाहर निकलेगी? झूठ का पुलिंदा झूठ बोलती है और वो हमारे पर राजनीति आरोप लगा, हम राजनीति, इसमें कोई राजनीति नहीं है। उन बच्चों के और बाकी हजारों बच्चे वहां पर हैं, उनके साथ इस प्रकार का हादसा ना हो, इसलिए इस सरकार को चेताने के लिए और एलजी साहब से डिमांड कर रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विधानसभा को बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और जो मंत्री हैं सरकार, वो कह रहे हैं कि अधिकारियों को कुछ वीडियो ने जारी किया, अधिकारी को पहले कहा गया था डिसिल्टिंग कर ले, लेकिन सुनते नहीं थे। उसकी वजह ये है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार छीने गए हैं, तो जो अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। देखिए, ये बेलगाम कुछ नहीं हुए, इन लोगों से ये पैसे लेते हैं और कौन से एससी को, कौन से एक्सीएन को, किसको उन्होंने शो का नोटिस दिया? मैं उनकी बात मान लूंगा कि अगर एमएलए एमपी तो उनका कोई है नहीं। स्वाति मालीवाल क्वेश्चन उठा रही है, ठीक है जी। मेरा ये कहना है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग का एलजी करते हैं, एलजी ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो बड़े हायर ऑफिसर की करते होंगे। जेईई की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति ने टेंडर ले लिया पीडब्ल्यूडी की नालों की सफाई का, उसको एलजी साहब तो चेक नहीं करेंगे। उसको चेक करने का काम क्षेत्रीय एमएलए पार्षद का है। जब वो इतनी मोटी राशि उनको दे देते हैं, उनको लगता मानसून पता नहीं बारिश नहीं आएगी तो अपना पैसा जेब में, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि दुर्गेश पाठक के आम आदमी पार्टी ने किस अधिकारी को लिखित के अंदर लिख के दिया कि आप काम नहीं कर रहे हैं, तो उन अधिकारियों को सस्पेंड करवा देना चाहिए था, कर देना चाहिए था। एमसीडी में एक्शन में है, 13 बेसमेंट का सील भी किया गया है। एमसीडी तो 13 क्या, वहां पर 1300 बिल्डिंग में सील हो सकती है। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, सारी बिल्डिंगों को सीसी देकर पैसा मोटा लेकर लोगों के, छात्रों के साथ उनके खिलाफ अत्याचार किया है, उनकी हत्या हुई है। ये इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप भी निगम में रहे हैं, कहा जा रहा है कुछ बिल्डिंगें बेसमेंट ऐसे आपके समय से चली आ रही है। देखिए, हमारे समय में चल रही होंगी, प्रॉपर नोटिस दिया होगा। अब वहां तो उसके बाद, क्योंकि दिल्ली सरकार का तो इतने एक्टिविस्ट हैं, ये तो केवल पैसा बटोरने के लिए काम कर रहे हैं। कोई घूमता हुआ मुझे बता दे कि ये जो हादसा हुआ है, यहाँ का दुर्गेश पाठक एमएलए, वहां की निगम पार्षद पिछले मानसून, इस मानसून सत्र में एक दिन भी इलाके के अंदर गए हो तो मुझे बता दे हो। किसके खिलाफ आप इस्तीफा मांग रहे हो? तो 302 मुकदमा किसके खिलाफ हो? मुकदमा पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम फेल हुआ है, जेईई एचसीएन एससी जल इसके पीडब्ल्यूडी के, जिनको गार्बेज का पैसा दिया गया, ठेका दिया गया, फर्जी बिलिंग है, फर्जी बिलिंग बगैर एमएलए के कंसेंट के बगैर हो नहीं सकती। पैसे वो देते हैं, जितनी ये बिल्डिंगें बनी हैं, बिल्डिंगें पहले भी बनी होंगी, लेकिन अब इनको, हमारे समय में इनको सीसी नहीं मिलता था, सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट बेईमानी से दिया गया है, केवल पैसा लेकर दिया गया है कॉर्पोरेशन के जेई के ऊपर, यही के ऊपर। तो ये हैं बीजेपी के सांसद योगेंद्र चौंदलिया और तमाम जो नेता हैं, उनको मैं तस्वीर दिखा दूं कि सड़क पर उतरे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये हादसा नहीं हत्या है, और उसके लिए आम आदमी पार्टी की, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या फिर एमसीडी की, वो उसके लिए जिम्मेदार है और इस मामले में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, संबंधित जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और साथ ही साथ में उन पर कार्रवाई हो और उसमें सस्पेंड किया जाए। युवा बच्चों को वापस बुला रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमने पढ़ने के लिए दिल्ली भेजे थे, लिए मरने के लिए नहीं। लेकिन दिल्ली के अंदर जो अव्यवस्था फैली हुई है सरकार की तरफ से, वो उसको लेकर के जो रोष है,
जो लेकर के जो आज दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, एक तरफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और दूसरी तरफ बारिश के पानी से लोग डूबकर मर रहे हैं, इससे बड़ा अपराध और क्या होगा? प्रत्याशी के जरिए क्या संदेश और क्या मांगे आप? हमारी ये मांग है कि केजरीवाल को तुरंत हटाया जाए, केजरीवाल तुरंत इस्तीफा दे, जेल से सरकारें चलती है क्या? भ्रष्टाचार करो, जेल में जाकर बैठ जाओ और उसको राजनीतिक रंग दो। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनसे जो ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार छीन लिया गया, उससे अधिकारी बेलगामों की सुनते नहीं है। हर चीज में एक्सक्यूज, झूठ बोलना, बहाने बनाना और जिम्मेदारी से भागना। अगर आपसे सत्ता नहीं चल रही है तो आप सत्ता से बाहर जाइए। जब घटना हो गई, जवाब नहीं है, मौतों को लेकर के लोगों में रोष है, तो आप बहाना ढूंढ कर ये बात कर रहे हैं? पहले तो आपने ये बात नहीं कही। घटना से पहले का एक वीडियो जारी किया सौरभ भारद्वाज ने, अधिकारियों से मीटिंग करके जून का है, डिसिल्टिंग की बात कर रहे हैं और अधिकारियों का कहना सुना नहीं गया, डिसिल्टिंग की नहीं गई। देखिए, सवाल तो ये है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये तय हो चुका है कि दिल्ली की ट्रांसफर पोस्टिंग का काम चीफ मिनिस्टर की कमेटी के हाथ में है, वो उसके चेयरमैन है और उस कमेटी की मीटिंग बुलाने का अधिकार भी चीफ मिनिस्टर को है। पिछले 8 महीने से 10 महीने से मीटिंग ही नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है, उसकी मीटिंग क्यों नहीं की? आरोप ये भी लग रहे हैं कि आप लोग इस पे मौत के मामले पर राजनीति कर रहे हैं और इससे पहले एमसीडी में आप ही लोग थे, उस वक्त बहुत सारे बेसमेंट बने हुए थे, तब के चल रहे हैं। मैंने बताया ना, ये सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हैं, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और जिम्मेदारी से बच रहे हैं। जो पानी आया है सीवर का, उसका जवाब दे कि 15-20 मिनट की बारिश में ऐसा क्या हुआ कि उन युवा बच्चों को वहां से निकलकर बाहर आने तक का भी समय नहीं मिला। अगला कदम क्या होगा? आज प्रदर्शन हो जाएगा, उसके बाद अगला कदम क्या होगा? हमारा ये कहना है कि जब तक इस सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाता, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तो बीजेपी का कहना है कि सरकार को बर्खास्त किया जाए और साथ ही अरविंद केजरीवाल को पद से हटाया जाए, क्योंकि जेल से सरकार चल नहीं पा रही। के साथ जितिन भाटी, प्रभातोष, दिल्ली।